कांग्रेचुलेशन सर। कहाँ तक पहुँचे? लैप्रोटॉमी इज डन सर। कैंची देना, कैंची। कैंची? कैंची? कैंची तो नहीं है। कैंची नहीं है मतलब? आप हर सर्जरी के बाद कैंची पेशेंट के अंदर ही बोल जाते हो। कैंची? मैं? कुछ भी। हाँ। अच्छे अच्छों से भी कुछ बातें अनदेखी रह जाती हैं, जो उन्हें कोई और दिखाता है। कैंची नहीं बोलनी है, कॉल शॉर्ट नहीं करनी, कॉल शॉर्ट नहीं करनी, कॉल शॉर्ट नहीं करनी, कॉल शॉर्ट। कैंची नहीं बोलनी है, कॉल शॉर्ट। सैमको सिक्योरिटीज ने मेरे ट्रेडिंग का अंधे का सच मुझे दिखाया। जब जब मैंने कॉल लॉन्ग किया है बेहतर ट्रेडिंग की है, जब जब मैंने कॉल शॉर्ट किया है पैसा गवाया, इसीलिए कॉल शॉर्ट नहीं। कैंची नहीं बोलनी यार, कैंची नहीं। लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%, स्टॉप लॉस 5%, लॉस 5% स्टॉप। वो सैमको सिक्योरिटी ने मेरी ट्रेडिंग का अनदेखा सच मुझे दिखाया है। जब जब मैंने स्टॉप लॉस 5% रखा है तब तब बड़े नुकसान से बचा हूँ, इसीलिए स्टॉप लॉस 5%। सैम को दिखाए आप ही के तजुर्बे का अनदेखा सच, ताकि आप बने एक बेहतर ट्रेडर। दोस्तों, सैमको ने अपनी वेबसाइट पर 27 रीजन दिए हैं जिसकी वजह से आपको सैमको पर शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन उसमें से मुझे यही एक अच्छा फीचर लगा, जो कि मुझे लगता है कि मैं जिस भी ब्रोकर के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ उसमें ये फीचर होना चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे सैमको पर शिफ्ट होने की सोचना चाहिए। अगर ये मेरे जो अभी मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसमें फीचर आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अनदेखा सच क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप सैमको के अंदर ट्रेडिंग करेंगे तो वो डाटा आपका सैमको एप्लीकेशन में AI बेस्ड है, आप ऐसा समझ लीजिए कि वो रिकॉर्ड होता जाएगा, और जब आप लॉस करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं। वो आपकी गलती बताएगा, आपका रेशियो बताएगा कि आपका ट्रेडिंग में सक्सेस रेशियो कितना है, और अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप इसको किस तरीके से सुधार सकती हैं। मतलब कि आपकी गलती बताई फिर उसको सुधारने के लिए एक सॉल्यूशन भी दिया। यही फीचर है इसका जो कि अंधे का सच के अंदर आता है। तो जब आप सैमको में अपना अकाउंट बना लेंगे फिर इसके बाद आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई ट्रेडिंग स्टोरी। तो जब आप उस ट्रेड स्टोरी पर क्लिक करेंगे तो उसी में एक इनसाइट का आपको ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहीं पर आपको ये रिकमेंडेशन दिखाई देगी। तो अनदेखा सच के अंदर आप अपना तो ट्रेडिंग रेशियो देख ही सकते हैं, साथ ही जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनका ट्रेडिंग रेशियो कितना है वो भी आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सैमको कंपनी का रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप सैमको में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देख लेना। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको किसी कंपनी में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने से पहले जाननी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी की कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी की शुरुआत मार्च 2015 में हुई थी, तो मतलब कि यह कंपनी अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो इस कंपनी पर हमारा ट्रस्ट बन सकता है, हम इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत किसने करी थी और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। तो इसकी शुरुआत जिमीत मोदी ने करी थी और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। अगर हम इसमें अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो कौन कौन से हमें यहाँ पर प्रोडक्ट या फिर सेगमेंट मिलते हैं जिनमें हम ट्रेड या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप स्टॉक में ट्रेड भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि डिलीवरी में भी ट्रेड कर सकते हैं, साथ ही आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETF में कर सकते हैं, करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, कम्युनिटी में कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स या फिर स्टॉक्स में भी। इसके अलावा इसमें आपको और भी प्रोडक्ट एंड सेगमेंट मिलते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये अभी मैंने आपको मोटा मोटा बताया जो आमतौर पर यूजर्स यूज करते हैं। लेकिन अगर आप US स्टॉक में सैमको अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहें तो वो फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। US मार्केट में आप सैमको के थ्रू इन्वेस्ट या फिर ट्रेड नहीं कर सकते। अब हम चार्जेस की बात करते हैं कि अगर हम सैमको में अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो इसमें हमें क्या चार्जेस देने होंगे, इसके चार्जेस कहीं हाई तो नहीं है या फिर लो तो नहीं है, तो हम चार्जेस के बारे में आपको बता देते हैं और एक बार हम कंपेयर भी करेंगे कि बाकी के ब्रोकर से इसमें जो चार्जेस हैं वो हाई है या फिर लो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तो अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं सैमको में तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन के बाद लगता है AMC चार्ज, मतलब कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो कि आपके रेगुलर चलते रहते हैं। तो
इसमें फर्स्ट ईयर के लिए कोई भी एएमसी चार्ज नहीं है, लेकिन सेकंड ईयर से इसमें एएमसी चार्ज लगना स्टार्ट होता है जो कि 400 रुपये पर ईयर होगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सेमको के अंदर लगने वाले ब्रोकरेज चार्ज के बारे में। तो अगर आप डिलीवरी में कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो या तो फ्लैट 20 रुपये आपको देना होगा या फिर 0.5%। अब हम बात करते हैं अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी या तो फ्लैट 20 रुपये लगेगा या फिर 0.05%। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर जो 0.05% है ना, तो बाकी के ब्रोकर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे फ्लैट 20 रुपये सही है। अब इसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो फ्लैट 20 रुपये देना होगा, और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो भी फ्लैट 20 रुपये देना होगा। ये मैं जो आपको चार्जेस बता रहा हूँ ना, वो पर ऑर्डर है। अब इसके बाद अगर आप करेंसी फ्यूचर या फिर ऑप्शन करते हैं तो भी फ्लैट 20 रुपये या फिर 0.05% देना होगा। तो ये तो अभी मैंने आपको वो चार्ज बताए हैं जब आप इन्वेस्ट या फिर ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर द्वारा आपसे लिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी चार्जेस होते हैं, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी होता है, इसके बाद सीवी चार्ज होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जीएसटी होता है और डिपॉजिटरी चार्ज होता है। इसके अलावा छोटे पूरे चार्जेस और होते हैं, तो अभी मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू दिखाऊंगा कि और इसमें कौन कौन से चार्ज लगते हैं। और सेमको के द्वारा आपको कुछ अदर सर्विसेज भी दी जाती हैं, उनका भी ये अलग से चार्ज करता है, तो उनको आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस का ये कितना आपसे चार्ज ले रहा है। तो दोस्तों अब हम कैलकुलेटर देखने वाले हैं, इससे पता चलेगा कि सेमको के अंदर किस सेगमेंट में कितना ब्रोकरेज लगता है। तो जैसे कि ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है सेमको की वेबसाइट पर, आप भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये अलग अलग सेगमेंट का आप ब्रोकरेज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंट्राडे में कितना ब्रोकरेज चार्ज लग रहा है, तो देखिए परसेंटेज के हिसाब से जो लिखा था उसके हिसाब से यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्ज है ना, अगर आप इस प्राइस पर बाई करते हैं, इस प्राइस पर सेल करते हैं और इतनी क्वांटिटी रखते हैं, ठीक है, तो देखिए जो ब्रोकरेज चार्ज है उसका 505 रुपये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर फ्लैट लगेगा 20 रुपये पर ट्रेड। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप कोई छोटा ट्रेड लेते हैं जो कि 20 रुपये से कम होता है तो आपसे परसेंटेज के हिसाब से लिया जाएगा। अगर ज़्यादा होता है तो फिर आपको फ्लैट 20 रुपये पर ऑर्डर देना होगा। तो ऐसी कंडीशन में आपसे 505 नहीं बल्कि सिर्फ 40 रुपये लिए जाएंगे, मतलब कि 20 रुपये बाई करने के और 20 रुपये सेल करने के। ठीक इसी तरीके से ये डिलीवरी का भी दिया गया है, कोई आप ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो इस हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़्यादा नहीं देना है, जो भी कम होगा, जैसे कि फिर यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ट्रेड या फिर पर ऑर्डर देना है तो यहाँ पर भी बाई और सेल करने का 40 रुपये हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम और भी देख सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी आप इधर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो सारी कंडीशन में यहाँ पर आपको ज़्यादा जो चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो वो आपको नहीं देना है। हाँ, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप कम क्वांटिटी में कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और उसका ब्रोकरेज चार्ज कम होता है तो फिर आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो उस भी कंडीशन में आपको कम ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कैलकुलेटर को एक बार यूज कर सकते हैं, और अगर आप करेंसी में ट्रेड करना चाहें तब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका कैलकुलेटर है। तो हमें यहाँ पर यही मान के चलेंगे कि पर ऑर्डर ये आपसे 20 रुपये लेने वाले हैं, ठीक है, ना कि उससे ज़्यादा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।